वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द फोल्डर इनटू वर्चुअल ड्राइव। किसी भी फोल्डर को आप वर्चुअल ड्राइव में बदल करके अपने किसी भी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं और वो ही डेटा दे सकते हैं जो आप चाहते हैं, और जिससे आपका ओरिजिनल डेटा डिस्टर्ब फोल्डर डिस्टर्ब नहीं होगा। तो कैसे करेंगे इसको चल के देखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कमांड को हम की हेल्प लेंगे और बताएंगे कि कैसे उसको यूज करते हैं। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे जाते हैं, प्रेस विंडो करके आर करते हैं, तो ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाते हैं। यहाँ सीएमडी आप लिखिएगा, ओके करिएगा, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाइएगा। अब जब कमांड प्रॉम्प्ट पे आए तो सब एसटी लिखकर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क, तो वो हेल्प देगा। पहली हेल्प वो दे रहा है कि ड्राइव वन और ड्राइव टू और पार्ट। तो ड्राइव वन वो ड्राइव है जहाँ जिसको हम जिसमें हम वर्चुअल ड्राइव बनाने वाले हैं, और ड्राइव टू वो है जो पाथ बताता है कि किस फोल्डर का पाथ को आप वर्चुअल ड्राइव में कन्वर्ट करने वाले हैं। अभी इसको प्रैक्टिकली हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सी यूजर एस यू एस सब एस टी जेड सी यूजर एस यू एस। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट का हमने पार्ट डाल दिया और यहाँ पर सब एस टी जेड कर दिया, सब एस टी स्पेस जेड स्पेस और डॉक्यूमेंट का पार्ट डाला, तो वो फोल्डर को देखिए लोकल डिस्क जेड में बदल देगा। अब इसी को डिलीट करना है हमें, तो डिलीट सब्स्टिट्यूटेड वर्चुअल ड्राइव, तो सब एस टी जेड स्पेस बैक स्लैश डी देंगे, तो देखिए जेड ड्राइव चली गई। अब हमको देखना है कि कितनी ड्राइव्स हमारी बनी हुई है और कन्वर्ट हो चुकी है। तो हमने देखा कि Z और Y हमारी, Z हमारी डाउनलोड ड्राइव है और Y हमारी डॉक्यूमेंट ड्राइव है। तो इस तरह से हम ड्राइव को देख भी सकते हैं और अपने फ्रेंड्स या वर्कर्स को शेयर कर सकते हैं और वही डेटा दे सकते हैं जो हमको उनको देना है। क्योंकि जब बड़े लेवल पे सॉफ्टवेयर का काम होता है तो कुछ लोग टेस्टिंग करते हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कुछ लोग एडिटिंग करते हैं, कुछ लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप एनालिस्ट होते हैं, तो डिफरेंट लेवल पे प्रोग्राम डिवाइडेड होता है और डेटा की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, एक्सेस भी डिफरेंट ढंग से दिया जाता है। तो उसके लिए हमको इसको यूज करना पड़ता है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल रतन अग्रवाल आईटी इन्फॉर्मर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कम्युनिटी पे जाके कमेंट करिए, वीडियो और पोल्स पे टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो कीजिए और मेरे सोशल मीडिया लिंक्स को ऑल फॉलो करिए। और चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन में, जहाँ पर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट बना चुके हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब एस टी स्पेस जेड कोल, पहले आप सब एस टी लिख के एंटर कर लीजिए। देखिए वाई पे हमारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको पहले डिलीट कर देंगे, सब एस टी वाई कोलन स्पेस बैक स्लैश डी, तो आपका ये देखिए डिलीट हो जाएगा वर्चुअल ड्राइव। अब फिर से आप सब एस टी लिखिएगा तो देखिए वर्चुअल ड्राइव जा चुकी है। अब हमें वर्चुअल ड्राइव बनानी है तो सब एस टी लिख करके, मान लीजिए हमने आपकी जेड कोलन लिया, स्पेस लगाइए और कंट्रोल वी करिए, हमने डॉक्यूमेंट का पार्ट कॉपी कर रखा है। आप भी अपने डॉक्यूमेंट का पार्ट कॉपी कर लीजिएगा। कैसे कॉपी करते हैं अगर नहीं आता है आपको, तो दिस पीसी पे जाइए, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है डॉक्यूमेंट, यहाँ पर कॉपी कर लीजिए आप। अब कॉपी करके यहाँ लाकर यहाँ पेस्ट कर लीजिए, एंटर करिएगा तो आपकी ड्राइव बन चुकी है। सब एस टी करिएगा तो ये देखिए आपकी ड्राइव जेड ड्राइव बन चुकी है। अब ड्राइव कहाँ बनी है इसको दिखाना है तो आप दिस पीसी में जाइए, दिस पीसी में जाने पर वो आपको ड्राइव दिखाएगा। ये डिस्क पीसी में गए, ये देखिए जेड नाम की लोकल डिस्क बन गई।
ये डिस्क आपकी डॉक्यूमेंट की बनी हुई है, तो आप ये इसको डिस्टर्ब नहीं होगा। और आप जैसे बैकअप बनाना है डेटा तो बहुत टाइम लग जाता है, तो आप डॉक्यूमेंट का इस तरह से ड्राइव बना करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस ड्राइव को हमें हटाना है, तो हम फिर से यहाँ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सब ST स्पेस Z कोलन / स्पेस / T, तो ये आपकी ड्राइव हट जाएगी। अब देखिए ड्राइव खत्म हो गई, यहाँ आके देखिए यहाँ पे Z ड्राइव जा चुकी है। तो इस तरह से आपको बैकअप बनाने में भी डिफिकल्टी नहीं होगी, एक सेपरेट ड्राइव बन जाएगी जहाँ पर आपका सारा डेटा चला जाएगा और आप उसको बाद में रिट्रीव भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। प्लीज सपोर्ट, प्लीज रन द वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।